दंगे हो जाएंगे। हाँ नहीं, वैसे तो ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन अभी सब नॉर्मल ही है। लेकिन वहाँ तो सरकार यही कह रही है कि रामनवमी पे बच के रहना। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, हम लोग दार्जिलिंग से आए हैं, हम लोग का एरिया में बहुत अच्छा है, अच्छा है। वहाँ पे बहुत अच्छा है। इधर पश्चिम बंगाल से तो बड़े सवाल हुए राम जन्मभूमि को लेके, भगवान राम को लेके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। हम लोग दीदी को भी जय श्री राम बोलना सिखा दिया है। आप दीदी को जय श्री राम बोलना सिखाएंगे? हाँ बताइए। देखिए, गीता जी में कहा गया है जी, यदा यदा ही धर्म से गलानिर्भरवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं श्री जम्बे हम परित्रणाय साधुनंग विनाशे च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे संभवामी युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बोले हैं। तो हम समझते हैं जोगी जी और मोदी जी वो भी किसी अवतार लेकर के आए हैं, जो कि हमारे आज ये इस तरह से देखने के माहौल मिल रहा है ना, तो हम लोग का नसीब कहाँ था। मैं उनको कोटि कोटि नमन। आपके नसीब की बात कह रहे हैं और कुछ लोग तो दर्शन करने भी नहीं आए। विरादी दल जो होगा वो तो बोलेगा ही, वो तो बोलेगा जी मेरा ये सामान लेके, मेरा कपड़ा लेके भागे। वो क्यों नहीं आए? हम पटना से हैं जी। अच्छा जी, बिहार में कैसा माहौल है? बिहार में माहौल से तो पूरा संसार को मालूम है जी, लालू जी क्या करते हैं, नीतीश बाबू क्या करते हैं। अब शायद माहौल बदल सकता है, नीतीश बाबू अभी आ गए हैं बीजेपी फूल की तरफ से, अब फूल तो है भगवान विष्णु। तो देखिए, बिहार से लेके पश्चिम बंगाल तक लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में लोगों ने क्या किया, ये आप सब जानते हैं। और देखिए, इस बीच कीर्तन यात्रा भी निकल रही है, लेकिन सृष्टि ने इस वक्त कुछ लोगों से बातचीत की है। राम जन्मभूमि पर सृष्टि इस वक्त मौजूद है, वहाँ लोग क्या कह रहे हैं अयोध्या की बदली तस्वीर को लेकर। सुनिए। वर्ष पुराना और अंदर में जो व्यक्तित्व हृदय में छुपा है वो हमको योगी और मोदी जी को देना चाहिए, और मैं उनकी 500 साल पुरानी आज की जो यात्रा उन्होंने सफल बनाई है उसके लिए मैं एक छोटा सा धरती पुत्र होने के नाते एक गीत प्रस्तुत करूंगा। क्या सुना सकता हूँ? हिमांद्र तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अस्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो अदृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो अप्रशस्त पूर्ण पंथ है बड़े चलो बड़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया अविकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी अराति सिंधु सैन्य में अश्वारम अग्नि से जलो प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो बड़े चलो। भारत माता आपकी रक्षा करे, भारत माता की वंदे। रामनवमी का अवसर पर कहना चाहेंगे, राम जन्मभूमि से हम बोल रहे हैं कि यह मेरे अस्मिता का प्रश्न था, राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न था, और राष्ट्र की अस्मिता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी राम हमारे दिल में निवास करते हैं और मोदी जी मेरे दिल में निवास करते हैं, यही हमको करना है। ऐसा लग रहा है राम नवमी पे इतना आनंद तो कभी होगा ही नहीं। धन्य है मोदी जी, धन्य है भाजपा। तो इतना सुंदर दृश्य कभी होगा ही नहीं, ये लोग लगातार कह रहे हैं और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आई? मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम बिंदु मेहता है, और मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि जो सबका सपना पूरा हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ आके कि सचमुच भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है। अच्छा, इसको लेकर राम मंदिर को लेकर बड़ी सियासत हुई है, मंदिर नहीं बना था तभी भी, चुनावी माहौल क्या महसूस कर पा रही है? चुनावी माहौल देखिए ऐसा है कि जो भी सत्ता में होता है अपनी रोटी तो सेकता है, और ये भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। अगर उसके लिए कुछ मोदी और योगी जी ने किया है तो क्या गलत किया है? सभी कुछ करते हैं और इतनी जनता का प्रेम, ये देख रही हैं आप जनता, ये जनता पैसे दे के बुलाई गई नहीं है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ राम से लेना देना है, और ये राम के लिए यहाँ आई है, तो राम के नाम पे तो सब कुछ चलता है। राम राज्य, इसी को तो हम राम राज्य कह रहे हैं, इसी को हम राम राज्य। क्या क्या लहर दिखाई दे रही है? ये मैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आई हूँ, जो 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 है, और यहाँ देख रही हूँ कि इतनी जनता के बावजूद इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी स्वच्छता, पीने का पानी, इतनी गर्मी में पानी की व्यवस्था, वृद्धों के लिए व्यवस्था, योगी जी ने कोई कमी नहीं रखी है यहाँ पर, और मतलब उनको जितना दिल से धन्यवाद दिया जाए कम है।
बहुत ही अच्छा मजा आ गया आके। तो ये देखिए भावनाएं हैं लोगों की, और इधर भी ये तमाम जो जत्था है वो चला आ रहा है। हम बात करने की लोगों से कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या सोचते हैं, क्या उनकी विचारधारा है। क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से आ रहे हैं, तो बिहार में तो बड़ी सियासत हो रही है राम मंदिर को लेकर। पूरे हो राम जी के, बजरंग बली के पूरे एकदम। सियासत को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि राम का नाम जब आता है तो विपक्ष बड़ा बौखला जाता है। मोदी सरकार 400 पार, इस बार 450 के आसपास आएगा। जिस हिसाब से इसका माहौल बन रहा है, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है 400 नहीं 450 पार हो। विपक्ष तो कह रहा है कि क्या खाली अधिकार बीजेपी का हो गया है। विपक्ष का सफाया होगा, फिर से मोदी सरकार आएगी। भयंकर रूप से क्यों आएगी, क्या लगता है? इसलिए आएगी, एक तो ये राम मंदिर और धारा 370 हिंदुत्व को, जो हिंदुत्व की है आज पहचान, तो मोदी माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। और हम लोग एमपी से हैं, एमपी डिस्ट्रिक्ट सागर तहसील बीना से आए हुए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि आज इससे बड़ा जो हम लोगों को सौभाग्य मंदिर देखने को मिला, और हम लोगों को क्या चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की, बहुत अच्छी व्यवस्था, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या चुनावी माहौल, क्या समझ पा रही हैं आप? राम मंदिर तो आई है, क्या लग रहा है? फुल बहुमत मिलेगा, कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बात करते हैं, देखिए ये तमाम जो युवा जो है वो सृष्टि वो देखते ही बन रहा है तमाम राम भक्तों का। और एक लंबे इंतजार के बाद आज रामनवमी का मौका ऐसा आया अयोध्या में, वापस हम आपके पास लौटेंगे। अनामिका आपके पास भी यहाँ पर लौटेंगे, खूबसूरत तस्वीरें आप लगातार अयोध्या की यहाँ पर दिखा रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी जो हलचल है वो आपको फटाफट यहाँ पर हम बता देते हैं कि आखिर आज का दिन किस तरीके से अहम यहाँ पर रहने वाला है। चुनावी अपडेट के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की जिस तरीके सरगर्मियां लगातार चल रही हैं, जरा दिखाइए। जहां पर चुनाव अपडेट की बात करें तो दो दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूर्वोत्तर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो दिनों का ये रहने वाला है दौरा उनका। और असम के नलबाड़ी में प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। असम में जहां होंगे तो वहीं त्रिपुरा में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुनावी रैली की जानी है। इसके अलावा अगरतला में भी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही अगरतला में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम यहां पर रहेगा, वहीं बिजनौर में जयंत चौधरी की तरफ से जनसभा की जानी है, जहां पर जयंत चौधरी जनसभा करेंगे। मुजफ्फरनगर में रोड शो का कार्यक्रम यहां पर जयंत चौधरी का है। और इसके अलावा गाजियाबाद में राहुल और अखिलेश की जोड़ी नजर आएगी। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार यहां पर इंडिया अलायंस की तरफ से किया जाएगा, अखिलेश और राहुल गांधी मौजूद होंगे। वहीं गाजियाबाद में यहां पर पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार जो है वो किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। रामनवमी पर पहली मंगला आरती के बाद रामलला का किया गया दुग्धाभिषेक। आज दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का विशेष मुहूर्त पर होगा सूर्य तिलक। ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु लगातार रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर में आज पहली बार मनेगा राम जन्मोत्सव। दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का विशेष मुहूर्त पर होगा सूर्य तिलक। करीब 550 साल बाद अयोध्या में पहली बार मनेगा राम का जन्मोत्सव। रामनवमी के पहले अयोध्या में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ को फूलों से सजाया गया। चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 600 हिस्ट्री शीटर पुलिस के मददगार बनने को तैयार। 100 हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध न करने के लिए शपथ। सीएम योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि माफिया की मौत पर सपा फातिहा पढ़ती थी, आप लोग बीजेपी को वोट देकर सपा को फातिहा पढ़ा दो। गुजरात के भावनगर में मनसुख मंडाविया ने किया रोड शो, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीमूबेन बंभानिया के समर्थन में रोड शो किया। गुजरात के वलसाड़ से अनंत पटेल